बाबा जियो। बड़ी सुंदर गीत का संकेत मास्टर कैलन। अरे फरल बड़ा तकिया हो, फरल बड़ा तकिया हो, जब दियावा बुतले राजा जी। ये राजा जी घोरावाले कोरावा सुतला, घोरावाले कोरावा सुतला, दरदिया उठल ये राजा जी। अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायक गौरी शंकर यादव पूरी पार्टी की ओर से आप लोगों के बीच में जवाहर फिल्म्स के माध्यम से हमारे कमलेश भैया जी के देखरेख में ये एक अनोखा कांड जात बा। कांड आप लोगों तमाम सुनीला हमारे वहां को बहुत ही सम्मानजनक से देखा जाता है। यही नारी कभी दुर्गा का रूप धारण करती है, यही कभी सती सावित्री का रूप धारण करती है, यही नारी हम और आपके घर में आंगन में बिचल करके चल करके घर आंगन को सजाने का काम करती है। बिरहा में गजल का बोल लगल मास्टर। मासुक और मासुका के बीच के बात बा। मासुक अपने मासुका से धोखा पोले बा, अपने दिल का कसक बतावत हो का कहे। ये कहले रहा दर्द से भर गईल जिंदगी, दर्द से भर गईल जिंदगी, त कैसे मुस्कुराई हम, मुस्कुराई हम, क्या बात है। दर्द से भर गई जिंदगी,
सपन वो ना रहल आपन। हे सुंदर भैया, सपन वो ना रहल आपन, तकई से मुस्कुरा ही हम बड़ी सुंदर भाव कवि जी विरह के अंदर लिखलन है। का लिखलन भैया? अरे त शर्म से रो रही धरती, शर्म से रो रही धरती, जमाना हो गइल लखिता चाँद सूरज बिलखिता चाँद सूरज भी की भाई हो गई पाउर। क्या बात है, ए पंचो बतावल जला कि भाई अस हित न भाई अस दुश्मन। कब भाई के ऊपर से एक भाई का विश्वास उठ जाता, यह तो ए पंचो केहू नहीं के जान पावत। हमार कहानी कहवा के बा केकर बा जरा गौर करिहन। विवाह में नजम का लाइन लगल, मन की वेदना मन की वेदना करुणा भरी कहानी है, आंध्र प्रदेश में महरौली की निशानी है। मोहनी गोद में दो पुत्र को जन्माए हैं, बड़े अरमान से दोनों को वह पढ़ाए हैं। संजय बीए करके कोई लवरी में आया है, संजय बीए करके कोई लवरी में आया है, कोयला खान में जाकर के कब पाया है। बिताए के वरिष बिताए कवर उस तो छुट्टी ले घर पे आया है, पिता की राय से अपनी शादी रचाया है। गौर करेंगे बाबूजी, आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा गांव जेवनी गांव का नाम महरौली बतावल गई। वही महरौली गांव के रहे वाला एक गरीब परिवार जेकर नाम मोहन बतावल गई, उनके पत्नी का नाम सीता रहल। बाहर माली कितना सुंदर जोड़ी बनौले रहलन।
मोहन और सीता में हो पंचो, इतनी प्यार रहल, इतनी दुलार रहल। कहीं अगर मोहन सुबह से निकलस काम का कि शाम का घर ना आवस हो, परेशान हो जाओ सीतावा। बाहरे मालिक समय बीते लगल, समय के अनुसार मालिक वही सीता का गोंद से दूठे पुत्र के प्राप्ति देहलन। दूठे बेटवा पैदा भइलन, बड़का बेटा का नाम संजय रखलन और छोटका बेटा का नाम बड़ी प्यार से अंजय रखलन। संजय और अंजय दोनों भाई के हो पंचो, दोनों बेटन के आज पढ़ावे लिखावे लगलन। मजदूरी कई के पढ़ाई लिखाई के पंचो होशियार बनौलन। धीरे धीरे हाई स्कूल इंटर का परीक्षा बड़का बेटा संजय पास कर गेलन। धीरे धीरे बीए में पढ़े लगलन। छोटका भाई भी अंजय बड़ी मेहनत से पढ़त लिखत था। बाहरे मालिक कुदरत का देन, बीए का पढ़ाई पास करके संजय कोई लोरी में बाबू नौकरी पा गेलन। आइए मास्टर साहब, जब कोई लोरी में नौकरी संजय पा गेलन हो, दुआरे पर तिल कहरू दौड़े लगलन। जेकर बेटवा कोई लोरी में नौकरी पौले बा, दुआरवा परे पंचो तिल कहरू रोज का रोज धागे लगलन। लाइन लाग गई हो। अच्छा तो मोहन जी रउआ बड़ी बढ़िया विचार कह, तो कहे ना अपने संजय बेटवा का शादी कह देता नहीं। ए पंचो रोज रोज सुनत सुनत मोहन जी कहल कि अच्छा तो रुका बेटवा से बातचीत करे द। ए पंचो आज बेटा से बातचीत कैलन, बातचीत कई के आखिरकार अपने बेटा का शादी रचा दिलन। आ जब शादी रचा दिल मास्टर तो बिरहा में कोलो गीत लगते हो। ई देखा कोनो दुलही का दुल्हा परदेश से कमाए चल गए हो, वो दुलही घर में अकेले परेशान हो। एक दिन गई मार्केटिंग करे, बाजार से सामान उमान खरीद के लेके आए थे हो। ओकरे बगलिया से ट्रेन गुजरत रहल, वही रेलिया के देख के कहती कि का ये बुजरो, देख के हमरा के हंसत हो ना, रोज न जालू हमारे पिया कते से, लेकिन कहियो लेके ना आवेलु। का कहे मास्टर, रोजे रोजे जाले तू तो पिया के नगरिया, कहियो ना आवत तोरा संगे मरु सवरिया, नहीं आवे ऊ ना कर संदेश रे, नहीं आवे कोनो संदेश रे, हमरो के वही देश ले चलते रे लिया रे, हमरो के वही देश ले चलते रे लिया रे, पियाला बसला जवना देश रे, क्या बात है। लेकिन ये पंचो मोहन अपने बेटवा संजय का बहुत बढ़िया लड़की देख करके रिश्ता तय कैलन। तब हल्का मास्टर साहब, सदिया भइल घर में तुलहिन बायाई, हर आई गई जाए,
ए पंचो, एक सुंदर रजनी नाम का लड़की से आज संजय का शादी हो गया। आज संजय का शादी हो ले पंचो, रजनी जब दुल्हन बन के अपने ससुराल में आई हो, आज कितना संजय खुश हुआ, उनका पिताजी खुश हुआ, माई खुश है, भाई खुश हुआ, सब लोग बाबू खुशी में आज फूले ना समात बा। भल का मास्टर साहब, जोहला पपिहारा से वाती के पनिया चनवा के जोहला चाकोर हो, रजली ला जाले देखी पिया के संभलावा हो, रजली ला जाले रजली ला जाले देखी पिया के संभलावा हो, सेवा में मिले सम्मान हो, बहुत अच्छे। भैया हो आज रजनी वो घर परिवार आंगन के सजा के रख ले हो, बड़ी प्यार बा वो परिवार में। कुछ दिन बितला के बाद ए पंचो संजय का छुट्टी खत्म होके वाली हो, संजय अपन छुट्टी बिता करके फिर कमाए खातिर के कोयलौरी में चल रहा। आज जब कोयलौरी में चल रहा कमाए खातिर ये पंचो, तो फिर हाँ में मास्टर गीत बदलत हो, अपने दुल्हा का बड़ाई करते हो का कहे, ये कहले बे एहो बलमुआ कमाल कर लो, मारी के मुस्की निहाल कर लो, एहो बलमुआ कमाल कर लो, मारी के मुस्की निहाल कर लो, रउआ के चुमा चाही राजा जी को नहाल में, हाल में जुलुफिया है ये बोलम जीराऊ, जुलुफिया है ये बोलम जीराऊ, गोहरे हमारा जाल में जुलुफिया है, गोहरे हमारा जाल में। गीत का बोल रहा लेकिन गौर करेंगे बाबू, आज संजय माई बाबू का आशीर्वाद लेकर के कोलौरी में नौकरी करे खाते चल रहा हूं। भयल का संजय नौकरिया पर आई गईले, ड्यूटी करेला मन भाई गईले, भेजला पैसा रुपया घरवा में अपना हो, घरवा में अपना, दुल्हिया घर में रह जानी, दुल्हिया घर में
ए पंचो, आज कोई लौरी में जा करके अपने ड्यूटी पे कार्यरत हो गेलन। ओहर के बात पने होर छोड़ा, ए हवर घरवा ए पंचो उ रजनी जीवन दुल्हन बन के आयल। जब तक पतिदेव रहल तब तक त अपने सास का ससुर का अपने देवर का आदर सत्कार कैलस हो, लेकिन पति का कैला के बाद घर में नखड़ा करे लगल। कबो पेट दुखा था तो कबो गोड़ दुखा था, कबो करियाए धक एकदम सूत जाओ, जा करके सास जगावस के बुच्ची तनी जगा कुछ काम धाम कैला, लेकिन काहे के पंचो नखड़ाबाज। ओ रजनी ओ घर परिवार में कलेश लगल करे। तब भइल का मास्टर साहब, एक दिन रतिया में बिगड़ल हालत रामा, बहुत अच्छे मुहावा फुला के सुतली बढ़ ली विपतिया रामा, पंचो आखिरकार ओह रजनी का अचानक एक दिन तबियत खराब भइल, अपने बेड पर अपने बिस्तर पे पड़ल हो, दौड़ करके सास गइलिन हा। अंजय छोटका भाई जो रहलन संजय कहो, ओहो दौड़ के गइलन, ए भाभी आखिर तुके का हो गयल, ए पंचो आज नखड़ा लगल करे। सुबह का बेला भयल, एगो दिमाग में ओकर विचार आयल बा, देखा बाबू भयल का विदेशिया कराई में लिखल गेल। अरे त धीरे धीरे बीतली 14 माह की समय आहो, अरे रजनी के बदल विचार मोरे बाबूजी, फोन करके रजनी अपने सैया से बतवाली हो, अरे गड़बड़ी बुझाला सबाब चार मोरे स्वामी जी। ए बाबू एक दिन फोन उठा करके अपने सैया संजय के कोइलौरी में फोन कैले है, धनबाद में नौकरी करत रहलन, फोनवा के बाबू हो जब संजय उठौलन हा, हलो का आवाज देलन, उधर से आवाज आवत रजनी का। संजय कहलन कि आखिरकार रजनी तू कैसे बाड़ू, ठीक ठाक बाड़ू ना? संकेत करते ना सैया, तोहर छोटका भाई के आदत खराब हो गई बा, राती में हमारा पास आ करके हमारा से जबरदस्ती कल चलन है। ए सैया तब तक सास जी का आवाज आंगन में आ गई, हमारा के छोड़ के भाग गिलन,
अगर सास जी के आवाज न आई रहत तो हमारे इज्जत आबरूह के लूट लेतन। ए पंचो बतावे का बतावे, रतिया में लूटली चाहे हमरो इज्जतिया हो, अरे छोटका बिरनवा तोहार मोरे स्वामी जी, माई बाप बेटा तीनो हमके बेहाल कैले, अरे अपना सहला त्याग चार मोरे स्वामी जी। ई हम ए बाबू नौटंकी शुरू कैलस, त्रिया चैत्र अपन देखावे लगल फनवे पे कहते हे सैया तोहर छोटका भाई हमारी इज्जत के लूटल चाहल हो, तोहर माई बाबू हमके बड़ा परेशान करत फोन घर में आए है बाबू, आज फोनवा पे बतिया जब अपने औरत को सुनले बाड़न संजय हो गुस्सा में आग बबूला हो करके, दो चार दिन बाबू हो संतोष कैलन विचार कैलन, विचार कैके अपने छोटका भाई अंजय पर फोन कैलन। अब फोन करके कहलन कि ए अंजय अगर तू देखू धनबाद में आ जाते हमारे पास ना तो तोरा के अपने साथे नौकरी दिलवा देती। आए हाय बाबू गौर करेंगे, एक भाई काम दिलवाने के बहाने अपने छोटा भाई को बुला लेता है। जब छोटका भाई वाय अंजय गैल बहो पंचो, आज गुस्सा में आग बबूला हो करके अपने भाई को देखता है। बाबू कठोर कलेजा करके अपने भाई को दगा देने का काम करता है। उठा करके मेरे साथियों फावड़ा उसी खादान से और चल देता है भाई को लेकर के, चलो मैं तुझे काम दिखलाता हूं, दिन भर काम करना और शाम को बैठ करके हम लोग प्रेम से खाएंगे पिएंगे। ए पंचो बगल में खाद्यान्न ले जा करके आज संजय अपने छोटका भाई अंजय को हो वही कोयला उठाए वाला फावड़ा से पंचो अपने भाई का गर्दनिया पे वार कर देलन। जब वार खिलन ए पंचो छोटा भाई अंजय रोवे लगल, है भैया तू तो गले रहला, ए बचवा तोरा के काम हम दिलवाई, ए भैया हम कवन गलती कैली कवन कसूर कैली कवन हम ऐसन गलती कैली है भैया कि तू आज हमारा के मारत हुआ। हे पंचो आज एक भी बात ना सुनत बा संजय, अपने छोटका भाई के हो उठा के पटक के अपने घुटनवा से दाब के बैठल, ओस में रो रो करके अंजय अपने बड़का भैया संजय से एक बात कहे, का कहे मास्टर यवा कभी जी तेरी अंदाज लिखत हूं। भाई की काया हो अरे भाई की काया पत्थरी अरे भाई की काया पत्थरी बन गई करुणा सिहर गई जब खत्म हुई करुणाई अरे करुणाई अरे करुणाई करुणा सिहर गई जब खत्म हुई करुणाई भाई की काया पत्थर बन गई। ए पंचो छोटका भैया अंजय रोवत मिलखत है भैया हमके छोड़त है भैया, लेकिन लाख प्रयास कैला के बाद भी है पंचो घुटना से ताप करके आज संजय फावड़ा लेकर के चलाना चाहता है। रो करके छोटका भैया अंजय अपने बड़का भैया संजय से एक बात करन, कौन बात करो मास्टर गौर करेंगे। हाँ छोटका भैया कह छोटका कहलन निरदैया
निरदैया भैलै भैया ने हथवा में तू फौड़ा ले ले हुआ हो वही हथवा में बचपन का बात याद करे भैया कौन बात याद दिलाए मास्टर साहब जो ने हथवा में भैया हमके दूधवा पिया वाला घरवा से हमके बड़ा प्यार से बोलावला अरे भैया तू तो हमके बड़ा प्यार से फोन करके न बोलावला हो ए भैया बचपन में हमके दूध कटोरा से भर भर के पियावत रहला आज तू कब सैया भैला ए भैया तू कसैया भैला ए भैया मेरा दैया भैला ए भैया बाबू आज भाई का एक भी ना भाई सुनत बा आज बाबू कैले का मास्टर साहब पापड़ लाइन लगल अरे तगड़ा समारा सिर गया लगाई भाई तड़पे अरे तो छोड़ के पिजड़ा सुगना चला पराई भाई तड़पेला अरे भैया हो आज घना सा उठा करके एक भाई अपने भाई का ही गला काट करके फेंक देता है छाती पिटी के अंजर रोया तनिक दया नयाई अरे तलाश को बोटी बोटी करके खाई में दिया छुपाई अरे घर पे फौरन फोन किया कसाई भाई तड़पेला अरे तब भाई को जड़ से भाई दिया मिटाई भाई तड़पेला
बाहर भाई एक मात्र दस महीना ग्यारह महीना का घर में एक नई नवेली दुल्हन की बात को मान करके एक औरत की बात को सुन करके अपने ही भाई को बोटी बोटी काट करके वही बाबू हो कोयला का खदान में ढक दलस। ढकला के बाद बाबू हो दो दिन चार दिन बीतल अपन ड्यूटी में लीन हो गए। धीरे धीरे समय बीतल गई, दो महीना चार महीना पांच महीना जब समय बीत गई तनखो भाई का चिंता नहीं है। ए पंचो घरवा फोन कैला न अपने मम्मी पापा के कि ए पापा ए मम्मी फोन कैले रहली अंजय के अपने यहां बोलौले रहली अभी तक आयल ना आखिर उ घरवा रह के का करत ह। ए बाबू माई बाबू घबरा गेलन कि आज छह महीना हो गई अंजय के अपने भैया के पास गईले आज फोन करके बतावत हुन कि घरे ना आयल हुन आज फोन करके बतावत हुन कि घर से ना आयल हुन कोयलौरी में काम करे खातिर के। लेकिन एहर के बात तनी और छोड़ा। पंचो ए हरिया जौन घरवा में दुल्हन रजनी बिया आज अपन क्रिया चरित्र का जाल बिछा के अपने सास और ससुर के साथ देखवा ये हमें एक गलत काम करते हो। ए पंचो प्रमाण मिलल खाना में भोजन में जहर मिला करके और अपने सास ससुर के खिला देलस। सास ससुर ए पंचो जब जहर भोजन के साथे खैलन हो तड़प तड़प के अपन प्राण पखेरु प्राण के छोड़ देल। आल्हा में कबीज लिखलन कैसे तिरिया के तीर तिरिया के तीर हो कठोर तिरिया से भैया तिरिया चरित नहीं जनले भगावा छह माह बाद संजय अइले भवनवा भैया आए है बाबू छह महीना बीतल संजय कोयलौरी से छुट्टी लेकर के घरे आवे के प्लान करत हुवन तब तक दुल्हन फोन के ले भैया के सैया जी अचानक तोहरे मम्मी पापा को हार्ट अटैक भयल दोनों जना आगे पाछे मर गेलन। आखिरकार ए पंचो माई बाबू को मरला का खबर सुन करके संजय घरवा पे गई लहुन तो जाके देखलन कि माई और बाबू का लाश सजलवा लोग शमशान घाट पे लेके चलल हुवन तो भयल का छाती पीट पीट रोवे रजनी दुल्हनिया भैया संजय रोवे लसुआ के जाके शमशाना वापे चितवा सजवले भैया लसिया जला के आये घरवा ओ बाजा ए पंचो गांव का लोग लाश के सजा करके शमशान घाट जात हुवन। एवर संजय जब घरवा पहुंचल हुवन दुल्हन को रोवत बिलखत देख के पंचो आंख से झरझर झरझर आंसू बहे लगल कौन ऐसन बेटा हो ये पंचो की माई बाबू के मरला के बाद ओकर कलेजा न कांप जाओ। आज माई बाबू के मरला के वियोग में आज संजय फफक फफक के रोवत हुवन।
शमशान घाट पे जा करके लोग अर्थी सजा करके चिता में आग लगौलन है। समय बीतल साल भर दो साल बीतल ए पंचो त एगो अजीब घटना उ दोनों प्राणी के ऊपर हो गया, संजय पर और उनके पत्नी के ऊपर घटना घटल बा। कौन घटना घटल तनी अल्लाह नंबर दो से आ जा। अरे धीरे धीरे पीतल कुछ दिन के समय अरे धीरे धीरे पीतल कुछ दिन के समय अरे माई बाप बेटा तीनों हो गए सवारा हरे मज कर जुटल गौआ के लोग हरे मज कर जुटल गौआ के लोग अरे छिपल कहानिया खुलल हरे बन के घूमे बनरा बनारी माई बाप साप दिए थे बरिया आखिरकार ये पंचो सेवनी समय अंतिम संस्कार करके दोनों प्राणी वही घरवा में रह का काम करे लगलन। ओह संजय के नौकरी भी बाबू छूट गयल अपने मेहरारू के कुल सुनला पर कुल कैला पर साले भर बीतल हले पंचो। तब तक सास ससुर की जीवन जहर देख के मरले बाड़ी उनकरा ऊपर सास ससुर सवार होके लगलन भूत बन के सवार हो गलन कपारे पर लगली डाक डाक चिल्लाए कि हम जहर देख के मरली हम जहर देख के मरली। और बड़का भैया के ऊपर छोटका भयावा जीवन अंजय रहलो बाबू जीवन फावड़ा से काट के घनासा से काट के बोटी बोटी गाड़ देले रहलन भूत बन के पंचो सवार होकर के माथे पे दिमाग को गड़बड़ाने लगा पागल के भांति दोनों पति पत्नी ये पंचो बानर बनरिया बन के दोनों सिवान में लगला घूमे। तो कवि जी खड़ी के भाव में निकलन हा सजल सजावल बगिया अरे तो जनी पिगारा मितवा तो बोला अब के दे तोहरा के सहारा मितवा आखिरकार ये पंचो प्रमाण मिला दोनों पति पत्नी पागल के भांति जब खेत खलिहान में चारों ओर घूमे लगलन घूमत घूमत ए बाबू दोनों अखिया का आंधर हो गेलन चारों तरफ से गाली बाबू लोग देत होवन लोग फटकारत होवन मारत होवन दुदकारत होवन कहीं जगह ना मिलत हो। यही से कहल जला कि ये पंचो अपने घर आंगन के सजा के रखे के चाहिए। लिखल गई का लिखल गई अरे तंधी अंधा गईले डाली के फसरिया अरे तक कोठरी में लटकल मिलल जे करे रसरिया अरे तब पूर्वा जन्म अपन जन बिगाड़ा तब बोला अब के दे तोहरा के सहारा बिता
ए बाबू बतावल जला कि कर्म ऐसन कर पूर्व जन्म में भी तोहार बनल रहे, काम कुछ ऐसन करके जा ए धरती पर तोहार गुणगान होके तोहार नाम का चर्चा होके। यह हमेशा हमार कहानी समाप्त भेल अंतिम लाइन में कहना बा गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, कविता लिखते बबलू यादव यहाँ शुभ है कलम से। अरे भाई की काया पत्थर बन गई, अरे